ही ये बुल है, हमारा नहीं है, ठीक है जी। ये जितने लोग इसको देख रहे हैं जी और जितने लोग हमारे साथ इस समय हैं जी, ये सबका बुल है, हमारा नहीं है। बिल्कुल। नमस्कार भाइयों, दादा दोड़ा डेयरी फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका दादा दोड़ा डेयरी फार्म परिवार मैड़ा गांव जिला व तहसील चरखी दादरी हरियाणा में है। सबसे पहले वंदे गोमातरम, गौ हमारी पूजनीय माता है, जन्म जन्म से नाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। भाइयों, जो बिछवाल फार्म में एक अच्छे खासे रिकॉर्ड का जो है ना, आज हम कह सकते हैं 5200 लीटर पे जो बछड़ा है, जिसकी मदर ने 5200 लीटर दूध दिया है अपने एक ब्यात में, यानी कि 300 दिन में 5200 लीटर दूध दिया है, तो हमारी भी दिलो इच्छा थी, लेकिन हम महाराज जी के सम्मान में वो नहीं कह सकते। तो हमें अपने से ज़्यादा खुशी, जो हमारे एक तपस्वी हैं, हम इन्हीं की जो है ना देन है, जो कि आज इस संस्कृति को और हमारे समाज को बहुत सी जो बुराइयों से ये बचाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि इन्हीं जैसे ये तपस्वी हैं, इन्होंने हमारी गोमाता के सम्मान में जो कदम उठाए हैं, तो उससे आगे तो हम इनसे बढ़ नहीं सकते। लेकिन हमें अपने से ज़्यादा जो खुशी है कि हमारे जो ना संत जी हैं, गुरु जी, इनके उन्होंने जो है ना इसको अपनाया है, और हमें आशा है कि गुरुजी एक से एक बढ़ करके अपने जो है ना इस मूल भारतीय नस्ल का जो है ना नाम रोशन भी करेंगे। और हम बार बार नमन करना चाहेंगे, हमें बेहतरीन खुशी हुई ये जान करके कि जो हमारे गुरुजी के पास ये गया, तो एक बार ज़रूर जो है ना प्रणाम करना चाहेंगे। प्रणाम गुरुजी। अपना गुरुजी ये जो लिया है नंदी महाराज अपनी गोमाताओं के लिए, संवर्धन कार्य के लिए, इसीलिए लिया। कहाँ रखेंगे गुरुजी इसको? इसको पंजाब में रखेंगे। पंजाब में कौन सी जगह, थोड़ा बता पाएंगे? के पास। कौन सी जगह? गुराया के पास। गुराया के पास, अपने पास वहाँ भी और भी गोमाताएँ होंगी। तो मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों ने सम्मान भी किया आपका, और जो है ना हम बहुत खुश हुए। कुछ प्रेरणा देना चाहें, जो हम कुछ सीखना चाहते हैं गोमाताओं के प्रति, अगर कुछ आप कहना चाहें तो? हर गौ घर में एक गौ माता अवश्य रखनी चाहिए जी गुरुजी, हर हिंदू को जी गुरुजी। और ये हमारा प्रतीक है धर्म का जी जी, तो हम प्रतीक को मिटा देंगे तो हम भी नहीं बचेंगे जी गुरुजी जी। तो प्रतीक को हमेशा उबल और सामने रखना चाहिए जी गुरुजी जी। एक गौ माता हर घर में होनी चाहिए जी, और वो भी देसी नस्ल की जी जी जी। और बिलायती गाय जो होती है जी, उसको गाय नहीं मानते जी, ठीक है ना, गौ माता नहीं मानते जी जी। गौ माता अपनी देसी नस्ल की, जो थारपारकर है जी, राठी है, कोई भी नस्ल है देसी जी, जो शायद 39-40 प्रकार की है इंडिया में जी 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 जी, उन्हीं को रखना चाहिए जी जी। और उनसे क्या है, दर्शन का लाभ है, हाथ फेरने का लाभ है, सेवा करने का लाभ है जी, है ना जी। और दूध तो अमृत है उनका, अमृत है। अगर छोटे बच्चे को जर्सी या होलस्टीन का दूध पिलाया जाए तो वो जो दूध उनको पचता नहीं है जी। क्यों नहीं पचता? क्योंकि उसमें हीट ज़्यादा होती है जी जी जी, है ना जी। अपनी भारतीय गौ जो है, इसमें जैसे माँ का दूध होता है जी, उसी प्रकार ये दूध भी उसका माँ का ही काम करता है, इसलिए इसको गौ माता कहते हैं जी। मैं एक छोटा सा प्रश्न मेरे को काफ़ी दिन से दिमाग में है, जैसे हम जो जन्म लेने के बाद जहाँ से हमने वो संभाला, एक हमें ऐसा लगा कि जितने भी ग्रंथ हैं या जितने भी तपस्वी हमारे इस मातृभूमि पर पैदा हुए, गोमाता से परे नहीं रहे, वो अवश्य ही कहीं न कहीं, चाहे किसी ग्रंथ में लें या किसी भी जो है ना वाक्य में अगर हम जाते हैं, और जो संतों की कुटिया होती थी उनके बाहर हमें सुनने को मिलता कि एक गोमाता उससे होती थी, तो ये वाक्य क्या है कि आप गोमाताओं से मतलब जुड़ करके जो है ना अपने जीवन के आधार शिला को आगे बढ़ाते हैं, तो क्या ऐसा? क्योंकि हमेशा धर्म के साथ गौ तो रही है जी, वो चली है जी। ऋषि मुनि थे, हम सनातनी हैं जी, तो सनातन में गौ का तो परचम बहुत ऊपर है। बिल्कुल गुरु। आज की जो पीढ़ी है इसको भूल चुकी है जी जी, जो पीढ़ी में लालच और लोभ पड़ गया है जी, कि हम किसी भी पशु से, गौ माता पशु नहीं है जी, किसी भी पशु से हम पैसा कमाएं जी, पर पैसे के साथ साथ सेहत भी तो अपनी ठीक रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
जब आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा पर आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी जी है जी, तो पैसे क्या करोगे? जी 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 ठीक है ना जी। तो इसलिए गौ के साथ साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए जी। और हमारा सनातन धर्म तो इसकी व्याख्या बहुत करता है जी, है ना। हम हिंदू हैं तो हिंदू देखो जरूरी नहीं जीव मात्र को गाय रखनी चाहिए जी, जी। गाय के बिना हमारा उद्धार ही नहीं है जी जी जी। बिना गाय के उद्धार ही नहीं जीवन में बिल्कुल ठीक है ना। इस चीज़ को भूल गए इसलिए बीमारियों में जकड़ रहे हैं हम लोग, बीमारी पकड़ रही है हम लोग। और कमाने के भी बहुत जरिए हैं, इससे गोमूत्र से अनेकों दवाई बनती है, इनके दूध से घी से प्रोडक्ट इतने होते हैं कि कमाने का तो बहुत लंबा चौड़ा जरिया होता है। आजकल तो इनमें बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो रहा है जी जी जी। इनके गोमूत्र से या इनके गोबर से बहुत प्रोडक्ट बन रहे हैं जी। तो कुछ थोड़ा सा सीख करके आप स्वयं भी कर सकते हो जी। दोनों चीज़ बचेंगी, गौ माता बचेगी और आपका एक मतलब एक काम भी चलेगा जी जी जी। तो हम गुरु जी का बार बार धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने, और ये जो गुल लिया है जी, ये एक तो आप सबका हम धन्यवाद करना चाहते हैं जी, क्योंकि आपका ही ये बुल है, हमारा नहीं है ठीक है जी। ये जितने लोग इसको देख रहे हैं जी, और जितने लोग हमारे साथ इस समय हैं जी, ये सबका बुल है, हमारा नहीं है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना जी। ये सबने इसमें पूरा सहयोग किया है जी, और इस सबको ही इसमें हक है सबका ही बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो गुरु जी का बार बार सभी जो है ना एक बार धन्यवाद करेंगे, और इन्होंने जो हमारे को प्रेरणाएं दी, जो सिखाई सर इनको, उन्होंने जो हमारे को प्रेरणा दी, अपने साथियों को जो अपने विचार व्यक्त किए, तो शायद हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सर नमस्कार, ये सर भी जो है ना इसको लेना चाह रहे थे, सर आप अपना थोड़ा शुभ नाम बताएंगे? सराफत अली भाटी, NDDB से हूँ सर मैं जी, बीकानेर राजस्थान से जी सर। और यहाँ ऑक्शन में बुल लिए इन्होंने, महाराज जी ने और इन्होंने भी जी, दोनों पुल की अच्छी डैम है इनकी जी जी जी, और बहुत अच्छे पुल है ये दोनों के दोनों जी, जी। और भी हैं दो तीन जी, आपने शायद एक बुल लिया है? हाँ एक बुल लिया है। और सर जो है ये भी एक संस्था से जो इन्होंने बताया, मैं कहना चाहूँगा इन्होंने भारत के अंदर जो है ना काफ़ी बहुत बड़ा ब्रीडिंग के अंदर योगदान दिया, तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। काफ़ी समय से जो आप हमारी नस्लों के सुधार के ऊपर जो कार्य कर रहे हो, और काफ़ी भाइयों को इससे बहुत अच्छा खासा लाभ मिला है पूरे इंडिया में। आपको जहाँ भी सीमन है हर जगह जी, 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 हमने जी, हमने हिमाचल जम्मू कश्मीर तक आसाम वगैरह जी, जहाँ भी काफ के जो भी मांगा है वो डिमांड हर जगह पूरी हुई है जी। तो हम आशा करते हैं आप इससे भी और आगे बढ़ करके जो है ना मतलब किसानों को, आप भी इससे जुड़े हुए हो काफी टाइम जी 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 जी, और आपके वीडियो हमने देखे हैं पहले जी सर जी सर। एक बुल आपको बताइए, आपने काफी अच्छा लिया है वो। हाँ जी सर, 251 नंबर जिसकी 42 का डैम मिल से, मतलब अच्छा बुल है, अच्छा बुल है। दो दूसरी बार जो है ना उसकी माता ने बहुत अच्छा दूध दिया, 4200 के लगभग जो अभी थार पार करके दो तीन साल में जो वर्किंग हो रही है ये तो आगे जाएगा और आगे जाएगा। नहीं आप कितने समय से जो है ना जुड़े हैं सर? लगभग ये तो संस्था पूरी शुरू से चली। नहीं आप कितने समय से जुड़े? 7-8 साल से तो यही हूँ। 7-8 साल से जुड़े हैं। राजस्थान में जो भी जिले हैं सभी वहाँ सीमन की पूर्ति करते हैं, ऑल ऑफ इंडिया के जहाँ भी आपको जरूरत होती है जी जी जी। साबरमती आश्रम है, एनिमल ब्रीड सेंटर है जहाँ जाएँ वहाँ से, तो 5 सेंटर हैं अपने ऑल इंडिया के अंदर सीमन के जी। एक रोहतक सीमन स्टेशन है, एलमादी वाला है जी, राहुरी सीमन स्टेशन है जी, और साबरमती वाला, उसमें अलग अलग जगह पहले। और हम भी कोशिश करते हैं, जैसे मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि आपके जो अच्छे सीमन हैं वो हमारे क्षेत्र में भी, मैं कोशिश करूंगा कि जो है ना मेरे सीमन स्टेशन पे ला करके जो है ना आप उसे लोगों तक पहुँचाएं। तो इन्होंने सर ने भी कहा है कि ये पूरा सहयोग देंगे, और हर समाज में हर जगह पे ये सहयोग कर रहे हैं, तो इनके जो है ना सर जी के जो टॉप से टॉप सीमन है वो भी जल्दी ही हमारी कोशिश होगी अपने क्षेत्र में भी आप भाइयों तक पहुंचाने की। तो वीडियो में बिल्कुल आप अंत तक बने रहे, और आपने बहुत कुछ जाना और हमारा सहयोग किया, तो आपको कैसी लगी भाइयों ये वीडियो में ऐसा जान करके? तो धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।